खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप अपने मरीज को अपने रिस्क पे, अपने कन्वीनियंस पे, अपने खर्चे पे उठा के कहीं भी ले जो, उसके बाद देखा जाएगा। डॉक्टर ने सुनो सारे लगागा ऐसे मुकुट रखा सीएमओ, सीएमओ अपनी रिपोर्ट देगा, डायरेक्ट कोई कार्रवाई नहीं। मैं प्रशासन को पूरा आश्वासन दिलाता हूं, हॉस्पिटल पे ऐसी कोई भी हमारा भाई कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और जो मान लो संविधान के अनुसार है, हम थाने में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के बाद सुनो जी, उसके बाद सिविल सर्जन। एक पेशेंट के साथ बिहेव किया, सन्नी पेशेंट के साथ जो बिहेव किया, उसका एसी की लाइटें काट दी गई, उसको ज़बरदस्ती रूम से बाहर निकालने की कोशिश की गई, ठीक है ना जी। वरदान हॉस्पिटल डॉक्टर बंसल मुर्दाबाद। तो हम चाहते हैं कि भी और किसी पेशेंट के साथ ऐसा ना हो कि रात कोई आप पैसे जमा करवाओगे तो आपको एडमिट करेंगे या आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना जी। पहले पूछ लिया गया कि ऑपरेशन आपसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसमें यस कर दी पैसों के लिए, ठीक है ना जी। बाद में उसको कोई आई गई नहीं दे रहे बिल्कुल भी, और अपने आप तो चार डॉक्टरों ने मिलकर डिस्चार्ज कर दिया, किसी से पूछा नहीं गया कि अभी आपकी क्या मंशा है, आप यहीं रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, पेशेंट की क्या कंडीशन है क्या नहीं है, नहीं इसको डिस्चार्ज कर दो, इसको कहीं और ले जो, वहाँ अपनी कमीशन से 2.5 लाख में दोबारा ऑपरेशन हो जाएगा। दो महीने पहले से उनका पहले भी ऑपरेशन हुआ था, वो फेल हो गया था किसी भी रीजन से, उसके बाद यहाँ ले आया गया। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जी हम ठीक कर देंगे, दोबारा कर देंगे, दोबारा करने के बाद फिर नहीं होया, उसके बाद फिर बोला गया जी अब पेशेंट ने पूछा कि जी आप दोबारा कर दोगे ठीक है हो जाएगा या नहीं। उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह जो भी करवाया उसके बाद भी इनसे कुछ नहीं हुआ। साथ के साथ अब ये जो ऑपरेशन है जी, एक आदमी का 3 बार एक जगह का ऑपरेशन हो गया, अब ये अपने सिर से उतार रहे कि ये पेशेंट हो सकता है दोबारा हो ही ना। तीन घंटे एक आदमी का एक जगह 3 बार ऑपरेशन हो गया, और कह रहा अभी मरा तो नहीं, मरी फांसी तो नहीं लगी, अभी कह रहा जी पेशेंट मरा तो नहीं ना, अभी ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह की लैंग्वेज है। इस हॉस्पिटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, और जितने मेरे पेशेंट भाई जिन्होंने करवाया इसको लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाए। हाँ जी, पथरी का था जी, ठीक है ना, पथरी का ऑपरेशन था, और मेरा सभी भाइयों से है कि सब एक होके और एकता दिखाएं और सन्नी लुम्बे का अपना समर्थन करें सारे के सारे, ठीक है जी। तो ये बहुत मिसबिहेव किया गया डॉक्टर ने, टॉकिंग इससे ज्यादा क्या होगा कि एक पेशेंट का जो बेचैन हो रहा, ऑपरेशन होया उसकी लाइट काट दी जाए, उससे ज्यादा मिसबिहेव क्या होगा। जमा कराओ फिर हम लाइट शुरू करेंगे, एसी तब चलाएंगे। उसके बाद वो कह रहे जी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इन्होंने दो आदमी ने बैठ के पर्चा लिख दिया कि जिसको डिस्चार्ज कर दो। एक ये सन्नी लुम्बा नाम का एक पेशेंट जो है वरदान अस्पताल जगाधरी में दाखिल हुआ था, उसकी तरफ से कंप्लेंट मिली है भी उसने पहले मोंगा अस्पताल अम्बाला ऑपरेशन कराया था, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, उसने जो है यहाँ
वरदान अस्पताल जगाधरी में कहा भी वहाँ इलाज कराओ। यहाँ इसका पिछले महीने की 19 तारीख को ऑपरेशन होया, किडनी में स्टोन है इसके, वो सक्सेस नहीं हुआ। और फिर अब इसने कई बार ऑपरेशन किया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसमें भी जो है स्टोन में वो उसके ऑपरेशन में जो है सक्सेस नहीं हुआ, स्टोन नहीं निकला। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हमने डॉक्टर साहब से बात करी, कहने लगे मैंने रेफ़र कर दिया इसको भाई कहीं बाहर किसी अस्पताल में जो है इलाज करा लें। ये कहते हैं इन्हें दरखास्त दी भी ये सारा खर्चा डॉक्टर ओटे जितना भी खर्चा है आगे जो ऑपरेशन का है, अब दरखास्त दी है जाँच करेंगे, जैसी कार्रवाई होगी बाद में अमल में लाई जाएगी। ये नारेबाजी करें थोड़ी बहुत, इनको समझा दिया गया भाई ऐसे ऐसे बात है, इसकी जो है CMO साहब से जांच कराएंगे, जैसे जांच में जो पाया जाएगा बाद में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर कह ये कहते हैं डॉक्टर की लापरवाही है भाई, इसने ऑपरेशन नहीं करने चाहिए थे, यदि स्टोन नहीं निकला तो इसने तीसरा ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। सर मैटर कुछ भी नहीं है, मरीज सनी लुम्बा 38 साल लाल द्वारे का रहने वाला है, इसको शुगर की बीमारी है, इसके दाई गुर्दे की पेशाब की नली में पथरी फंसी हुई है और इसका ये दायां गुर्दा कम काम कर रहा है, जो कि सारे टेस्ट इसने चंडीगढ़ कराए थे और अंबाला इसने अपना इलाज कराया था। डॉक्टर मोंगा अंबाला अस्पताल में इसका पहले ऑपरेशन हुआ था मार्च अप्रैल 2019 में, जहाँ पे कि इसका पथरी का ऑपरेशन किया गया और मरीज़ को ये बताया गया कि जी ऑपरेशन हो गया है, हम वो मरीज़ की पथरी रह गई या छोटी छोटी।